सब्सक्राइब करें टेक्नो ब्लॉगर एंड हिट नोटिफिकेशन बटन टू स्टे अपडेटेड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज ऋषभ जसवाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नो ब्लॉगर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी के तीन न्यू सी सीरीज के फोन के बारे में, सी सीरीज के सक्सेसर्स के बारे में, जहाँ पे कंप्लीटली स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो आज रियलमी ने लॉन्च किया सारे फोन्स का, और क्या आपको उसके प्राइस सेगमेंट में से लेना कंसिडर करना चाहिए वो भी हम जानेंगे। तो बिना कोई और टाइम वेस्ट किए, सो लेट्स बिगिन। जहाँ पे दोस्तों रियलमी मार्केट में अपने सी सीरीज के सक्सेसर्स लेके आ गया, तीन तीन फोन लॉन्च किए, एक रियलमी C20, एक C21 और एक C25। जहाँ पे सक्सेसर में ऑब्वियसली कुछ इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया है, कोई सेंस नहीं बनता इस लॉन्च का। पर तो भी हम लोग स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे आपको जो भी ये फोन्स के नंबर है C20, C21, C25 जैसे नंबर बढ़ रहे हैं, वैसे इसका प्राइस भी बढ़ रहा है। तो हम लोग सस्ते वाले फ़ोन से सबसे पहले चालू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़ोन के डिज़ाइन में कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया, तीनों के तीनों ही फ़ोन पुराने रियलमी सी सीरीज़ के टिपिकल डिज़ाइन में आपको देखने को मिलते हैं, कुछ भी डिज़ाइन के मामले में चेंज नहीं किया गया है। और डिस्प्ले के बारे में भी बात करें तो आपको तीनों ही फ़ोन में सेम 6.5 इंच का एक HD+ ही डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो अगेन डिस्प्ले में भी कोई भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया है, वही पुराने वाले डिस्प्लेस को यहाँ पे भी अगेन दे दिया गया है। तो ऐसा इस चीज़ में तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया गया डिज़ाइन और डिस्प्ले के मामले में। जहाँ पे तो भी हम लोग कुछ बाकी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे स्टार्ट करते हैं रियलमी C20 से। जहाँ पे इसके कैमरा के बारे में बात कर लेते तो आपको 8 megapixel का एक रियर कैमरा देखने को मिलेगा, सिंगल कैमरा मिल रहा है, 5 megapixel का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा नॉच डिज़ाइन में, 2GB LPDDR4X का रैम मिल जाएगा, 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, MediaTek Helio G35 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो इस बजट सेगमेंट में पहले भी कुछ फोन्स में हमें देखने को मिल चुके हैं। तो कुछ भी ऐसा कुछ यहाँ बड़ा Realme ने यहाँ नहीं किया है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी और आपको यहाँ पे इस फोन में 3.5mm जैक भी मिल जाएगा, उसके साथ में डेडिकेटेड स्लॉट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। इस फोन में कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे फोन के कलर के बारे में बात करें तो एक आयरन ग्रे, एक आयरन ब्लू कलर में मिलेगा। इनफैक्ट बस कलर्स का नाम अलग अलग है, वरना जो तीनों ही फोन है उस सब में आपको एक ब्लू और एक ग्रे दो कलर के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पे रियलमी UI मिलेगा एंड्रॉयड 10 के साथ में। जहाँ पे इस फोन के प्राइस के बारे में बात करें तो 6999 यानी 7000 रुपये है, और जहाँ पे हमें 7000 रुपये में इससे पहले रियलमी C11 फ़ोन देखने को मिल चुका है रियलमी की तरफ से, जो सेम स्पेसिफिकेशंस लेके आता है, बट हमें वहाँ पे एक बेटर कैमरा मिल जाता है इससे। जहाँ पे उसमें आपको मिलता है एक 13 और 2 megapixel का रियर कैमरा, ऑब्वियसली 2 megapixel का कैमरा कुछ भी सेगमेंट में काम नहीं करता है, ना के बराबर 2 megapixel का कैमरा को उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। पर तो भी आपको 13 megapixel का मेन कैमरा मिल रहा है, जो यहाँ पे 8 megapixel का मिल रहा है, बाकी सारे स्पेसिफिकेशन सेम है। तो कोई सेंस नहीं बनता इस फोन का, पर तो भी रियलमी ने इसे लॉन्च किया है सेम प्राइस में 6999 में। यहाँ पे इसका फर्स्ट सेल 13 अप्रैल को, और इसमें आपको फर्स्ट मिलियन कस्टमर्स को 200 रुपये एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। तो आपका जो इफेक्टिव प्राइस होगा अगर आपको 200 रुपये ऑफ मिल गया तो वो होगा 6800 रुपये के आसपास। यहाँ पे उस बजट सेगमेंट में एक ठीक ठाक सही फ़ोन है, बट यहाँ पे कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं किया गया, बल्कि कैमरा को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया गया, तो कोई भी सेंस नहीं बनता। जहाँ पे उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं रियलमी C21 फ़ोन में, सेम डिज़ाइन सेम डिस्प्ले। कैमरा के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे 13 megapixel का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, बाकी दो कैमरा और 2 megapixel के डेप्थ और मैक्रो के लिए देखने को मिलेंगे। 5 megapixel का अगेन सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जहाँ पे 4GB का आपको LPDDR4X का रैम मिल रहा है, 64GB इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है। जहाँ पे ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक 4GB 64 वाला स्टोरेज ऑप्शन मिल रहा है आपको इस बजट सेगमेंट में, जो काफ़ी अच्छी बात है। जहाँ पे आपको अगेन Helio G35 प्रोसेसर मिल जाएगा, 5000 mAh बैटरी मिल जाएगी, और वही 3.5mm जैक, डेडिकेटेड स्लॉट। Realme C20 में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, बट इसमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे दिया गया है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे किया गया है। बाकी वही दो कलर में आपको अगेन देखने को मिलेगा, Realme UI और Android 10 देखने को मिल जाएगा। जब हम प्राइस के बारे में बात करें तो 7999 यानी 8000 रुपये में आपको एक फ़ोन देखने को मिलेगा। जहाँ पे इस बजट सेगमेंट में हमें Realme के पहले भी दो फोन सी सीरीज में देखने को मिल चुके हैं, एक C12 एक C3। जहाँ पे C12 में आपको थोड़ा ज़्यादा बैटरी मिल रहा था 6000 mAh का, बट आपको स्टोरेज कम मिल रहा था 332 का देखने को मिल रहा था, तो उससे कंपैरेटिवली ये फ़ोन थोड़ा बेटर है। C12 से यहाँ पे इसे बेटर बनाया गया है, आपको ज़्यादा रैम स्टोरेज यहाँ पे मिल जाता है, पहले बैटरी थोड़ा कम है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरेज है जो यहाँ पे इंप्रूव किया गया है। बट एक और C3 फोन भी अवेलेबल है इसी प्राइस सेगमेंट में,
जहां पे आपको MediaTek का Helio G70 प्रोसेसर देखने को मिलता है, बट स्टोरेज आपको अगेन 332 ही मिलता है और कैमरा भी आपको 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलता है। तो अगर आप बाकी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके एक बेटर प्रोसेसर लेना चाहते हो तो C3 ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है सेम प्राइस सेगमेंट में। इनफैक्ट आप 1000 रुपए और लगा के 4GB 64 वाला भी ले सकते हो। तो आई थिंक C21 में भी कुछ ऐसा बड़ा चेंजेस नहीं किया गया, एक इससे अच्छा प्रोसेसर वाला फ़ोन भी अवेलेबल है और एक इसके जैसा सेम प्रोसेसर वाला भी फ़ोन अवेलेबल है। बस कुछ सारे चीज़ें इधर उधर करके रियलमी वो सेम फोन्स को वापस मार्केट में लेके आ गया है, तो उसमें भी कुछ ऐसा बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है। जहाँ पे उसके बाद हम फाइनली बढ़ते हैं रियलमी C25 फ़ोन पे, जहाँ पे अगेन सेम डिस्प्ले सेम डिज़ाइन आपको मिल रहा है। जहाँ पे कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें एक्चुअली में ये चीज़ इंप्रूव किया गया है, जहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे इससे पहले सी सीरीज में ऐसा नहीं था। और आपको एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है, आपको 4GB LPDDR4X का रैम, 64GB और 128GB दो इंटरनल स्टोरेज का आपको ऑप्शन मिल जाता है। जहाँ पे Helio G70 प्रोसेसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 6000 mAh बैटरी मिल रहा है, 18W की फास्ट चार्जिंग मिल रहा है, अगेन 3.5mm जैक यहाँ पे अवेलेबल है, उसके साथ में डेडिकेटेड स्लॉट भी है, जहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ पे अवेलेबल है, और उसके साथ में अगेन ये वही दो कलर में आपको देखने को मिलेगा रियलमी UI के साथ में और Android 10 के साथ में। जहाँ इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 999 यानी 10,000 रुपये में इसका 64GB वेरियंट मिल जाएगा और 10999 में यानी 11,000 रुपये में आपको इसका 128GB देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे इसका फर्स्ट सेल 16 अप्रैल को है और C21 का सेल 14 अप्रैल को सबसे फर्स्ट सेल है और C20 का फर्स्ट सेल 13 अप्रैल को है। जहाँ पे ये तीनों ही फ़ोन है जहाँ पे एक्चुअली में जो रियलमी C25 है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड है अगर हम लोग इसे कंपेयर करें रियलमी C15 से, जहाँ पे उसमें हमें G35 प्रोसेसर मिलता था और एक 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता था, तो यहाँ पे कैमरा को इम्प्रूव करके 48 मेगापिक्सल में किया गया है, प्रोसेसर को G35 से G70 में किया गया है, बट डिस्प्ले भी इम्प्रूव करके अगर फुल HD+ कर देता तो काफ़ी अच्छा हो जाता, बट अगेन आपको वही HD+ डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल रहा है रियलमी की तरफ से, जो मुझे यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला इस प्राइस सेगमेंट को देखते हुए। और आई थिंक अगर आपको बजट 10-11 हज़ार के आसपास है तो आई थिंक आप थोड़ा सा 1000 रुपये और दे के रेडमी नोट 10 में जा सकते हो। आपको एक सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है, स्टीरियो स्पीकर मिलता है और भी बहुत सारे कमाल स्पेसिफिकेशन लेके आता है, तो आई थिंक इसमें भी कुछ एज सच और कमाल कुछ नहीं किया गया है। थोड़ा कम प्राइसिंग में अगर 10,000 रुपये में 128GB मिल रहा होता तो थोड़ा और बेटर होता, पर तो भी आप C25 को लेना कंसिडर कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट किया गया है उसमें। बाकी C20 और C21 मुझे कुछ उतना ज़्यादा खास नहीं लगा, बट C25 आप एक्चुअली में लेना कंसिडर कर सकते हो। इनफैक्ट C21 भी थोड़ा ठीक है अगर आपको ज़्यादा रैम ज़्यादा स्टोरेज चाहिए 8,000 रुपये के बजट में, बट C20 तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, उससे ज़्यादा बेटर C11 मार्केट में अवेलेबल है। और इनफैक्ट ये रियलमी के तीनों ही फ़ोन्स लेने से पहले आप माइक्रोमैक्स से भी फ़ोन्स चेकआउट कर सकते हो, इस बजट सेगमेंट में काफ़ी अच्छे फ़ोन्स अवेलेबल है। तो वैसे यही सब थी पूरी कहानी से रियलमी के सी सीरीज़ के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके थॉट्स इसी तीनों फ़ोन के बारे में, और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन बटन भी दबा देना क्योंकि इस टाइप के कमाल के वीडियोज़ आते रहते हैं। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो सून। We'll be right back.